बहुत सारे लर्नर इन दो वर्ड्स को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और वे नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप भी इन दोनों वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। पहला वर्ड जिसका स्पेलिंग है DISEASE, इस वर्ड का साउंड होता है डिजीज और इस वर्ड का मतलब होता है बीमारी। लेकिन अगर हम बात दूसरे वर्ड की करें DECEASE, तो इस वर्ड का साउंड है डिसीज और इस वर्ड का मीनिंग होता है मैयत यानी मृतक, जिसे हम डेड बॉडी कहते हैं। लगता है आप समझे नहीं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इन दोनों वर्ड्स को बड़े शानदार तरीके से समझ सकें। आइए सबसे पहले डिसीज के बारे में जानें। इस वर्ड का स्पेलिंग है DECEASE और इस वर्ड का मीनिंग होता है मृतक या मैयत यानी डेड बॉडी। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मृतक अपने पीछे अपनी बीवी और एक छोटी बच्ची को छोड़ गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे The deceased left his wife and one minor daughter behind him. यानी मृतक अपने पीछे अपनी बीवी और एक छोटी बच्ची को छोड़ गया। यह मैंने अपने सेंटेंस से बोला द डिसीज, जिसका मतलब हुआ मृतक या मैयत। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मृतक का वारिस कौन है या मैयत का वारिस कौन है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हु इज हेड ऑफ द डिसीज, यानी मैयत का वारिस कौन है। जरा आप यहाँ इस वर्ड पे गौर करें, यहाँ इस वर्ड का स्पेलिंग है HEIR, लेकिन यहाँ पर एच साइलेंट है इसीलिए इस वर्ड को कहते हैं एयर। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मृतक ने अपने बेटों के लिए बहुत सारा धन छोड़ दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द डिसीज लेफ्ट अ लॉट ऑफ वेल्थ फॉर हिज सन्स, यानी अपने बेटों के लिए मृतक ने बहुत दौलत छोड़ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले वर्ड का मीनिंग समझा कि डिसीज का मतलब होता है मैयत या मृतक। अगर हम बात डिजीज की करें तो इस वर्ड का मतलब होता है बीमारी। इसके पहले कि मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, यहाँ मैं आपको बता दूं इन दोनों वर्ड का साउंड अलग अलग है। इस वर्ड का साउंड होता है डिजीज और इसका मीनिंग है बीमारी, जबकि इस दूसरे वर्ड का साउंड होता है डिसीज और जिसका मीनिंग था मृतक या मैयत। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आपको ये वर्ड समझ में आ सके। मान लीजिए अगर आपको कहना हो कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कैंसर इज अ वेरी डेंजरस डिजीज, यानी कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर आपको कहना हो डॉक्टर ने उसकी बीमारी को कंट्रोल कर लिया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द डॉक्टर हैज कंट्रोल्ड हिज डिजीज, यानी डॉक्टर ने उसकी बीमारी को कंट्रोल कर लिया है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो बीमारी उसके मौत का कारण था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द डिजीज वॉज द रीजन ऑफ हिज डेथ, यानी बीमारी उसके मौत का वजह था या कारण था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा कि डिजीज का मतलब होता है बीमारी, जबकि डिसीज का मतलब होता है मैयत या मृतक।